ये तस्वीरें नारा गांव के ऐतिहासिक दादी सती भवन की है, जहां राज्यसभा सांसद बनने पर नारा गांव के लोगों ने राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार का धन्यवाद करने के लिए चाय के प्रोग्राम पर बुलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद कृष्णलाल पवार को फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सांसद कृष्णलाल पवार ने दादी सती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वही ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि नारा गांव के ग्रामीणों और दादी सती का ही आशीर्वाद है कि वो पिछले 35 सालों से राजनीति में सक्रिय है और ग्रामीणों के आशीर्वाद से वो हर मुकाम हासिल कर रहा हूं जो कभी सोचा भी नहीं था। वही उन्होंने दादी सती परिसर में लंगर भवन बनवाने के लिए अपने सांसद कोटे से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। आपका बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे दादी सती के चरणों में आकर मत्था टेकने का अवसर ग्रामवासियों ने दिला। तो ये एक बहुत धार्मिक स्थल है और बहुत लंबे समय से इलाका वासियों की, गांव वासियों की, छत्तीस बिरादरी की एक मंशा थी। तो दादी सती का जो भवन है, जो मंदिर है, बहुत भव्य बने और इसलिए पूरे गांव के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री से और मैंने भी अपने कोटे से यहां पर 57 लाख रुपये इसमें अनुदान राशि दी थी और यहाँ करोड़ों रुपये इस पर खर्च हुआ। आगे भी ग्राम वासियों की योजना है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं, मौसम खराब हो जाता है लंगर लेने के लिए, तो हाल वगैरह बनाने की इनकी योजना है, तो उसमें भी मैं अपने राज्यसभा के DQ से 5 लाख की घोषणा भी की है और भविष्य में भी हमने कहा है कि आप सामाजिक कार्यों में आप पूरा गांव इकट्ठा रहे। इस दौरान कृष्णलाल पवार ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और ग्रामीणों की बिजली पानी की समस्या को सुनकर तुरंत समाधान करने का काम किया। दूसरा, मैंने अभी बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से फ़ोन पर सबके सामने बात की है। गांव वालों की दिली इच्छा थी कि हम बिजली की चोरी नहीं करेंगे, लेकिन बिजली के बिल है एक महीना में आ जाए तो गरीब आदमी या आम मध्यम वर्ग का व्यक्ति उसको आसानी से भर देगा। तो इसलिए रणजीत चौटाला बेंगलोर में थे, उन्होंने कहा कि मैं आके अधिकारियों की मीटिंग बुला करके इस विषय पर कार्य करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कृष्णलाल पवार दादी सती मंदिर के निर्माण कार्यों के लिए 57 लाख रुपए का अनुदान दे चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला और ग्रामीण आने वाले समय में कृष्णलाल पवार के राजनीति के क्षेत्र में हाथ मजबूत करने का आश्वासन दिया। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।